लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदियों के आसपास बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। राप्ती नदी के किनारे बहरामपुर, दक्षिण नौसड़ सहित अन्य गांवों में बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दिया है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि महानगर में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका पानी नदियों में पहुंचकर गोरखपुर के अन्य क्षेत्रों में फैला जा रहा है, जिसको देखते हुए सभी उप जिलाधिकारी भ्रमणशील रहकर अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए हुए हैं। अभी तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बाढ़ चौकियां अलर्ट पर है, जहां भी कटान की संभावना लग रही है वहां पेड़ और अन्य उपकरणों को लगाकर कटान को रोका जा रहा है। यदि कहीं से भी कुछ सूचना मिलती है तो प्रशासन उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, स्कूल से आगे तक जाएगा। दो दिन पहले, लगभग 4-5 दिन पहले तक यहाँ गोरखपुर उसके आसपास काफ़ी वर्षा हुई, तो जो हमारी नदियों का कैचमेंट एरिया है उसमें पानी धीरे धीरे आकर के नदियों में आ रहा है, और वो नदियाँ जब गोरखपुर पहुँच रही हैं तो उनका पानी यहाँ पर फैल जा रहा है। सभी उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं पर कोई अभी अप्रिय स्थिति नहीं है। जहाँ पर कटान की क्षणिक संभावना भी लग रही है वहाँ कटान रोधी पेड़ और अन्य उपकरण वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, कटान को रोका जा रहा है। यदि कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो उसका फिर
उसको टैकल किया जाएगा। बाढ़ चौकियाँ भी एक्टिव हैं, अभी NDRF की सच आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन NDRF तैयारी की स्थिति में है, अगर कहीं कोई अचानक कोई बात होगी तो NDRF तुरंत वहाँ पहुँच करके अपना काम करेगी।